आज हम इंडियन नेवी के समरिन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75I P75I से रिलेटेड नई प्रोग्रेस की बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन नेवी जर्मनी और स्पेन के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम्स के फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है और अब ट्रायल्स की परफॉर्मेंस पर बेस्ड टेक्निकल रिपोर्ट्स को फाइनल किया जाना है। नाउ पहले P75I प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करते हैं, जो इंडिया का बहुत क्रूशल प्रोजेक्ट है और इसके अंडर नेवी 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स एक्वायर करेगी और इस मेगा सबमरीन डील की कॉस्ट अराउंड 4.8 बिलियन यूरोस यानी कि करीब 45,000 करोड़ होने वाली है। बट प्रोग्रेस को देखें तो ये प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल 2019 में दी गई थी और आज 5 साल बाद भी टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। P75I के अंडर एक्वायर की जाने वाली सबमरीन्स की खास बात यह है कि ये सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम AIP सिस्टम से लैस होंगी। इस AIP सिस्टम की खास बात यह है कि यह सबमरीन को कई दिनों तक अंडर वाटर ऑपरेट करने में मदद करता है, क्योंकि नॉर्मली सबमरीन को हर 2 से 3 दिन बाद बैटरीज चार्ज करने के लिए सरफेस पर आना पड़ता है। बट AIP इक्विप्ड सबमरीन लगातार 12 से 14 दिन बिना सरफेस पर आए अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है। सो ये टेक्नोलॉजी नेवी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगी और सबमरीन के रडार डिटेक्शन चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि जब सबमरीन सरफेस पर होती है तो उसके एनिमी रडार पर डिटेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। P75I का दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन 6 सबमरीन्स को फॉरेन पार्टनर्स के साथ कोलेब्रेशन से इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और P75I में आई का मतलब है इंडिया, मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग। नाउ इस प्रोजेक्ट में 2 कंटेंडर्स हैं, पहला जर्मनी की थिजनक्रप मरीन सिस्टम्स, इसको TKMS भी कह सकते हैं, और दूसरा स्पेन की नवेंशिया। इंडियन नेवी इन दोनों फर्म्स द्वारा ऑफर किए गए AIP सिस्टम्स के फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल्स कंप्लीट कर चुकी है। टेक्निकल टीम अभी इन ट्रायल्स की टेक्निकल रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसको नेवल हेडक्वार्टर्स में सबमिट किया जाएगा। सो फील्ड इवेल्यूशन ट्रायल्स के इस क्रूशल प्रोसेस के बाद नेवी इस प्रोजेक्ट के फाइनल फेज की तरफ एक कदम और करीब आ चुकी है। नाउ इस प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP के अकॉर्डिंग सबमरीन्स को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर प्रक्योर किया जाएगा। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मॉडल मतलब इंडियन फर्म किसी फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप करेगी और उसकी एग्जीक्यूशन इंडिया में होगी। सो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए दोनों फॉरेन फर्म्स अपने अपने पार्टनर सेलेक्ट कर चुकी हैं। जर्मन TKMS ने स्टेट ओन्ड माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है, तो दूसरी ओर स्पेनिश फर्म नवेंशिया एंड सबमरीन्स की डेवलपमेंट के लिए इंडियन प्राइवेट फर्म लार्सन एंड टोब्रो LNT के साथ पार्टनरशिप करेगी। नाउ नवेंशिया के AIP ट्रायल्स उनकी S80 क्लास सबमरीन पर बेस थे और P75I प्रोजेक्ट के लिए भी नवेंशिया S80 सबमरीन पर बेस्ड डिज़ाइन को ही इंडिया के साथ शेयर करेगी। S80 एक 3000 टन क्लास सबमरीन है, जिसको लास्ट ईयर नवंबर में ही स्पेनिश नेवी में कमीशन्ड किया गया था। दूसरी ओर जर्मनी की TKMS इंडिया को अपनी क्लास 214 और 212 CD क्लास सबमरीन्स पर बेस्ड डिज़ाइंस ऑफर कर रही है और नवेंशिया और TKMS दोनों फॉर्म्स इंडिया को इस प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं। इस प्रोजेक्ट की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 साल बाद पहली सबमरीन डिलीवर करने की प्रोविज़न है, जिसमें कम से कम 45% इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए। पहली सबमरीन की डिलीवरी के बाद हर साल एक सबमरीन की डिलीवरी होगी और ओवरऑल प्रोग्राम में कम से कम 60% इंडिजिनस कंपोजिशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। जहां इंडिया इस प्रोजेक्ट के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट से अभी दूर है, वहीं पाकिस्तान चाइना से 8 AIP इनेबल्ड सबमरीन्स एक्वायर करने जा रहा है, जिसकी डिलीवरी पॉसिबली 2028 से स्टार्ट होगी। और P75I की करंट प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग इंडियन नेवी AIP इक्विप्ड सबमरीन्स को कम से कम 2030 तक एक्वायर करना स्टार्ट करेगी। इंडियन नेवी की करंट कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात करें तो टोटल 16 सबमरीन्स की फ्लीट है, जिसमें से सिर्फ 5 कलवारी क्लास सबमरीन्स ही ब्रांड न्यू हैं, जिनको पिछले 5 से 6 सालों में ही कमीशन किया गया है। बट बाकी की सबमरीन्स करीब 30 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी हैं और मेंटेनेंस और रिपेयर इश्यूज की वजह से उनकी अवेलेबिलिटी रेशो बहुत कम है। प्रीवियस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट 75 P75 की लास्ट 6 सबमरीन INS वक्शीर अभी ट्रायल्स फेस में है और पॉसिबली अगले साल तक
उसको भी नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा, जिसके साथ सबमरीन्स की टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 17। बट ये जो AIP इनेबल्ड सबमरीन्स होंगी, इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगी और ये नेवी की वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को और मजबूत करेंगी। और इसका रीज़न है इनकी लंबे टाइम तक बिना सरफेस पर आए अंडर वाटर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी।